हमारे चैनल LF News 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे आप सभी को मालूम है, पिछले दो ढाई महीने में जो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तरन तारण, अमृतसर रूरल, अमृतसर सिटी एंड बटाला, इनमें कुछ व्हीकल स्नैचिंग प्लस बैंक डकैती की वारदात कंटिन्यूस हुई है, एक के बाद एक। तो ये कुछ दो वारदात तरन तारण में हुई है, 5 अमृतसर रूल में हुई है, जिसमें एक अटेम्प्ट था, एक बटाला में हुई। तो 18 तारीख के बाद जब मैंने ज्वाइन किया था तो वी आर वर्किंग ऑन द लीड्स कि कौन हो सकते हैं। तो 16 तारीख को हमने एक जो हमारे टेक्निकल सेल और टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे राकेश कुमार विक्की अरेस्ट किया था 16 तारीख को। तो फर्दर उसके बेसिस पर हमने कल मॉर्निंग में तरन तारण से 2 अक्यूज और अरेस्ट किए, और उनके अरेस्ट के बाद कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गैंग जो ऑपरेट कर रहा है इस एरिया में, उन्होंने कल भी वारदात करनी है जंडियाला एरिया में, तो वहाँ इकट्ठे होना था। तो वहाँ हमने ट्रैप लगाया और हमारी टीम से ये इंचार्ज PO स्टाफ SSO टाटीविंड और भी टीम्स हमने लगाई हुई थी, तो वहाँ हमारा आमना सामना हुआ, इनफैक्ट एनकाउंटर भी हुआ। तो वहाँ पर 3 और इसमें जो मास्टर माइंड थे इनके, कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और काजल, ये अरेस्ट हुए। तो टोटली एक गैंग 8 मेंबर का गैंग है ये, और ये कंटिन्यूसली वारदात कर रहे हैं अपने बॉर्डर एरिया में। अरेस्ट होने के बाद इनसे रिकवरी हुई है, जो तरन तारण में रिसेंटली 19 तारीख को इलेक्शन से एक दिन पहले जो वारदात हुई थी वो भी ट्रेस हो गई है। उसमें अराउंड हमें 28 लाख रुपये इनसे मिले हैं, 4 पिस्टल मिली हैं, और जो अलग अलग बैंक गार्डों से इन्होंने जो राइफल्स लूटी थी उसमें हमने 5 रिकवर कर ली है। इसके अलावा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मोस्टली इनका मतलब सभी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी ना किसी पर्चे हैं। कुलविंदर सिंह पर 11 पर्चे हैं पुराने, 4 गुरप्रीत पर हैं, और जो मेन इनके एसोसिएट काजल, मतलब ये भी काफ़ी शातिर है और इसी के शहर पर सारा ये चल रही थी डकैती हो रही थी। काजल, गुरप्रीत और कुलविंदर, ये तीनों मास्टर माइंड हैं। हाँ, काजल लड़की, 30 years। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, 18 तारीख के बाद हमारे 4 डकैती हुई, एक अटेम्प्ट हुई थी, तो 5 ये गैंग निकली। एक्चुअली बैंक्स में मोस्टली तो दिमाग में इनका ये था कि पैसा ज़्यादा मिल जाना, और जो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि रैंडमली कोई बैंक सेलेक्ट कर लेते, जहाँ भी गार्ड अलर्ट नहीं होता या पुलिस का मतलब वहाँ पर अगर गश्त नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर लेते थे। तो मतलब पहले रेकी करते थे, मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे अगर गार्ड अलर्ट नहीं है, सपोज कोई बाहर चला गया, गार्ड नहीं है वहाँ पर, दे विल टारगेट दैट। इनिशियली 1-2 घंटा रेकी करते थे, मोस्टली 3 बजे के बाद ही वारदात करते थे जब बैंक्स में रश भी कम होता था। क्रिमिनल बैकग्राउंड तो काफ़ी पुराना है, कुलविंदर गुरप्रीत पे मैं बताया 11 पर्चे, एक पर 4 पर्चे हैं, पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं, ड्रग्स की भी पर्चे इनके ऊपर।
लेकिन जो बैंक डकैती का तो पिछले दो दो ढाई महीने से पूरे बॉर्डर एरिया में कर ही रहे हैं। और भी कुछ है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे कई इन्होंने एटीएम भी कई जगह से हाँ इन्होंने दो गाड़ी स्नैच की है, एक कथुनंगल से की थी, एक सिटी अमृतसर कमिश्नरेट से की थी। तो एक I-20 जो रिकवर हुई है तो हमारे मतलब कथुनंगल की स्नैच की हुई है। टोटल लूट कितने लाख की हुई है? टोटल अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कल जैसे हमारा 28 लाख तो अराउंड हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने मतलब इनके शौक भी बड़े मतलब वो हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे जो बैंक से एग्जैक्टली कितना अमाउंट लूट हुआ है और जो इनकी रिकवरी और जो इन्हें खर्चे किए हैं उसके बाद ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट 50-60 लाख से तो ऊपर होगा ही कम से कम। हाँ उनका रिमांड हमने लिया है, आप